गोकू के जाने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग ज़ेनोसोमा के पैलेस पे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा, बार्डोक और ब्रोली ज़ेनोसोमा के पैलेस पे होते हैं। ज़ेनोसोमा उन सब से कहते हैं, मैं सब कुछ ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं है, वो सिर्फ ड्रैगन बॉल ही कर सकते हैं। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या आपने क्या कहा? तो फिर इसका फायदा क्या होगा? आप सभी प्लेनेट को तो फिर से बना देंगे, लेकिन उन पर कोई भी नहीं होगा, वो सब बेजान पड़े रहेंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई तो रास्ता होगा। इसके बाद बार्डोक कहता है, क्या हम किसी और डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल को नहीं ला सकते और फिर उसके बाद हम सभी को जिंदा कर पाएंगे? इसके बाद ज़ेनोसोमा कहते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर वो ड्रैगन बॉल हमें किस डायमेंशन में मिलेंगे, क्योंकि सभी प्लेनेट अब खत्म हो चुके हैं, तो हमें ये नहीं पता कि किसी भी डायमेंशन में वो ड्रैगन बॉल होंगे भी या नहीं। इसके बाद वेजिटा घबराते हुए कहता है, क्या आपने क्या कहा? ज़ेनोसोमा, आपके ये कहने का मतलब क्या है कि सारे प्लेनेट खत्म हो चुके हैं? इसके बाद ज़ेनोसोमा कहते हैं, वेजिटा, यूनिवर्स 7 में कुछ ही प्लेनेट बचे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर प्लेनेट नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद वेजिटा और भी ज्यादा घबरा जाता है और ज़ेनोसोमा से कहता है, ज़ेनोसोमा, मुझे बताइए आखिर प्लेनेट नमक का क्या हुआ? इसके बाद ज़ेनोसोमा कहते हैं, रुक जाओ वेजिटा, मैं देख कर बताता हूँ। फिर इसके बाद ज़ेनोसोमा प्लेनेट नमक को सर्च करने लगते हैं, लेकिन उन्हें प्लेनेट नमक कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद वो वेजिटा से कहते हैं कि वेजिटा, प्लेनेट नमक गोकू और ऑर्थस के बीच हुई लड़ाई में खत्म हो चुका है। वेजिटा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या नहीं, इसका मतलब बुलमा भी? इसके बाद वेजिटा रोने लगता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बुलमा, ट्रंक्स और यहाँ तक कि तुम्हें भी, क्या करोट, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और हम ड्रैगन बॉल को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। वेजिटा ये सारी बात सोच सोच कर पागल होने लगता है। इसके बाद बार्डोक वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके बाद वेजिटा बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम सब कुछ खो चुके हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कैकरोट, तुम्हारा बेटा, उसने अपनी जान दे दी सबको बचाने के लिए, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर हम सभी बचे हैं। इसके बाद बार्डोक कहता है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि कैकरोट अब नहीं रहा। इसके बाद वेजिटा गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ अफसोस है? आखिर तुम उसके बाप हो, क्या तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती? इसके बाद बार्डोक कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या वेजिटा, हम साइंस को अपनों को खोने का उतना गम नहीं होता। साइंस की फीलिंग किसी के साथ नहीं जुड़ी होती है, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो। वेजिटा बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम एक बहुत ही खुदगर्ज बाप हो। इसके बाद बार्डोक कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता वेजिटा। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कैकरोट ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम कहते हो तुम्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता? इसके बाद बार्डोक कहता है, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी वेजिटा। इसके बाद वेजिटा गुस्से से कहता है, क्या कैकरोट की जगह पर तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वेजिटा ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बार्डोक उसे देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो वेजिटा? तो ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक भी ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसोमा उनके बीच आकर उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर सिर्फ हम सभी ही बचे हैं और तुम आपस में लड़ रहे हो? इसके बाद ब्रोली कहता है, मैं तुम दोनों की तकलीफ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने पिता को खोया है। इसके बाद बार्डोक कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता वेजिटा, मैं जानता हूँ कि हम सब किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकल जरूर आएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे अब किसी भी बात की परवाह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से उठकर चला जाता है और बार्डोक शांत होकर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता वेजिटा कि तुम्हें कैकरोट की इतनी चिंता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक प्रिंस ऑफ सैयन एक नॉर्मल सैयन को लेकर इतना सोच सकता है, और तुम्हें कैकरोट की इतनी चिंता है। तुम बहुत ही बदल चुके हो वेजिटा, तुम अब वो पहले वाले सैयन नहीं रहे और मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। काश मैं भी कुछ कर पाता, काश मैं कुछ भी करके कैकरोट को वापस ला पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसोमा सारे यूनिवर्स को ठीक करने में लगे हुए थे, तभी उनके पास वेजिटा जाता है और वो उससे पूछता है, ज़ेनोसोमा, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। इसके बाद ज़ेनोसोमा कहते हैं, हाँ बोलो वेजिटा, क्या बात है? इसके बाद वेजिटा कहता है, ज़ेनोसोमा, गोहान ने कैकरोट को ड्रैगन से विश मांगकर उसे इमोर्टल कर दिया था जब वो टाइम चेंबर के अंदर था, तो वो आखिर कैसे मर सकता है? इसके बाद ज़ेनोसोमा कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो वेजिटा, सारे गॉड्स इमोर्टल होते हैं, उन्हें कोई भी मॉर्टल नहीं मार सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन गॉड्स की ताकत की भी एक सीमा होती है। अगर कोई मॉर्टल उस गॉड की पावर लिमिट को क्रॉस कर लेता है और उसमें वो माहिर बन जाता है, तो वो उस गॉड को मार सकता है।
लेकिन हर गॉड की पावर अलग अलग होती है। गोकू इमोर्टल हो चुका था और वो एक पावरफुल गॉड बन चुका था, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं मारा। उसने अपनी जान खुद दी है ऑर्थस को हराने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि ऑर्थस गोकू के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर था, जैसे कि ग्रैंड प्रिस्ट ने अपनी जान दी थी उस डीमन सिल्विया को मारने के लिए। इसके बाद वेजिटा कहता है, इसका मतलब कैकरोट गॉड की पावर से भी बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, वेजिटा तुम जाकर आराम करो, तब तक मैं सारे प्लैनेट को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वेजिटा कहता है, ज़ेनोसामा मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ से चला जाता है। बार्डोक इस बार वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है, हे वेजिटा, तुम कैकरोट के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? इसके बाद वेजिटा कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उसके बारे में भला क्यों सोचूंगा? वो एक लो क्लास सैयन के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। पता नहीं कैसे, लेकिन हर बार वो मुझसे ताकत के मामले में बहुत ही आगे निकल जाता था। एक प्रिंस होने के बाद भी मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं कितना कमजोर और असहाय हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पे हराना चाहता था, और एक वक्त तो ऐसा भी था कि मुझे उसे मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैकरोट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने मेरा साथ किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़ा। हर लड़ाई और हर वक्त उसने मेरी मदद की है। उसने मुझे कई बार बचाया है। मैं कई बार उससे हार चुका हूँ। मुझे ये बात कहते हुए भी शर्म आती है कि मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया। उन सब बेवकूफ गॉड्स के कहने पे मुझे लगता है मैं वाकई में एक प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हूँ। इसके बाद बार्डोक कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया था वेजिटा? इसके बाद वेजिटा कहता है, मैंने ही कैकरोट को टाइम चेंबर में बंद किया था और बाहर से उसके गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उन गॉड्स ने मुझे मजबूर कर दिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो पूरे प्लेनेट को खत्म कर देते, इसीलिए मुझे मजबूरन कैकरोट के साथ ऐसा करना पड़ा। ये सारी मेरी गलती है। काश मैं कैकरोट से कह पाता, कैकरोट मुझसे गलती हुई, एक प्रिंस ऑफ साइंस से गलती हुई, मुझे माफ कर दो कैकरोट। लेकिन अब इन सब बातों के लिए बहुत ही देर हो चुकी है। हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम उसे या किसी को भी वापस ला सके। इसके बाद बार्डोक वेजिटा से कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं कि मुझे एक मॉर्टल की एनर्जी महसूस हो रही है और वो वहीं पर है जहां पर प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ था। इसके बाद वेजिटा कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अभी भी कोई है जो कि जिंदा बचा है? इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये आखिर कौन है, लेकिन रुक जाओ, मैं उसे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद बार्डोक कहता है, आखिर इतनी तबाही में कौन हो सकता है जो कि जिंदा बच गया हो? इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा उस मॉर्टल को अपने पैलेस पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और वो वहाँ पर आ जाता है। वेजिटा उसे देखकर कहता है, नहीं ये नामुमकिन है, तुम आखिर यहाँ कैसे? गोहान। और हम देखते हैं कि वो फ्यूचर गोहान होता है और वो वेजिटा को देखकर कहता है, वेजिटा तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या तुम गोहान हो? लेकिन तुम तो काफी अलग लग रहे हो। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्योंकि ये फ्यूचर गोहान है, ये भविष्य से आया है। इसके बाद गोहान की नजर बार्डोक पे पड़ती है और वो उसे देखकर कहता है, हे डैड, मुझे आपको दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, गोहान वो तुम्हारे डैड नहीं है। इसके बाद गोहान वेजिटा की ये बात सुनकर कहता है, क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो वेजिटा, मेरे डैड नहीं है? इसके बाद गोहान कहता है, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिखते हैं। इसके बाद बार्डोक एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम कैकरोट के बेटे हो? गोहान कहता है, हाँ मैं उनका बेटा गोहान हूँ, लेकिन फिर आप कौन हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद बार्डोक कहता है, कैकरोट मेरा बेटा है। इसके बाद गोहान कहता है, ओ अच्छा, लेकिन क्या आपने क्या कहा? गोहान ये बात सुनके बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या आप मेरे डैड के डैड हैं? यानी कि आप मेरे ग्रैंडपा हैं? इसके बाद बार्डोक कहता है, हाँ गोहान मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। गोहान कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ग्रैंडपा से मिल पाऊंगा, आप तो बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिखते हैं, लेकिन आखिर डैड कहाँ है? इसके बाद बार्डोक कहता है, कैकरोट अब मर चुका है गोहान। गोहान ये बात सुनके बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, लेकिन आखिर कैसे? मुझे याद है मैंने उनकी आवाज सुनी थी। इसके बाद वेजिटा कहता है, हे रुको जरा गोहान, तुमने अभी क्या कहा? तुमने कैकरोट की आवाज सुनी, लेकिन कैसे? इसके बाद गोहान कहता है, मेरे टाइमलाइन में एक पोर्टल खुला था और मैंने देखा कि डैड मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो मैं उस पोर्टल में घुस गया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। वेजिटा गोहान की ये बात सुनकर कहता है, लगता है कैकरोट ने उस पोर्टल को कई सारे डायमेंशन में खोला था, उसी कारण तुम यहाँ पर आए। लेकिन गोहान अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है और हम किसी को भी वापस नहीं ला सकते। हमारे पास सिवाय खाली प्लेनेट के कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद गोहान कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो वेजिटा? इसके बाद बार्डोक कहता है, गोहान इस यूनिवर्स में कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं बचा है जिसे कि हम उन सभी को वापस जिंदा कर पाएं। हम दूसरे डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल ला सकते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल आखिर किस डायमेंशन में होगा ये हम नहीं जानते और उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता।
क्योंकि हम अगर अलग अलग डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल को ढूंढेंगे तो पता नहीं हमें वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और हम ये भी नहीं जानते कि कैकरोट और ऑर्थस की लड़ाई के दौरान आखिर कितने डायमेंशन तबाह हुए हैं, और इसका असर मल्टीवर्स पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। इसके बाद गोहान कहता है, ओह तो ऐसी बात है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप सब मेरे टाइमलाइन में चलें, हम वहाँ से ड्रैगन बॉल ला सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में ड्रैगन बॉल अभी भी है। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो गोहान? इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डो भी गोहान से कहता है, तो फिर ठीक है, हमें वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। इसके बाद ब्रोली भी कहता है, मैं भी तुम सबके साथ चलूंगा। वेजिटा ज़ेनोसामा से कहता है, ज़ेनोसामा हमें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, हम उसे लेकर आते हैं। उसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, वेजिटा तुम गोहान के साथ फ्यूचर में जाकर ड्रैगन बॉल को लाना चाहते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है, आप चिंता ना करें ज़ेनोसामा, हम बिल्कुल सुरक्षित आ जाएंगे। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तुम किसी और डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल ढूंढ लो, लेकिन तुम भविष्य से ड्रैगन बॉल को यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि वो भी प्लैनेट अर्थ ही है जहाँ पर तुम जाने वाले हो, और तुम्हें फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वेजिटा कहता है, हमारे पास उतना फालतू वक्त नहीं है कि हम हर डायमेंशन में जाकर ड्रैगन बॉल को ढूंढे, और हमें नहीं पता वो हमें मिलेगा भी या नहीं, हम इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा ये बात कह के गोहान और बाकी सभी के साथ फ्यूचर में जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, पता नहीं अब आखिर और आगे क्या होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा, बार्डक और ब्रोली को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था।